ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी SSC रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी इस भर्ती को कंडक्ट करने जा रही है। पोस्ट नेम लॉजिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वर पायलट एंड एजुकेशन की पोस्ट निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 53 है। जी हाँ दोस्तों, जो ये पोस्ट निकाली गई है ये 53 वैकेंसीज के लिए निकाली गई है। स्टार्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 16 मार्च 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 5 अप्रैल 2019 है, यानी कि 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2019 के बीच आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाओगे। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैटेगरी इंडियन नेवी जॉब्स, दोस्तों ये भर्ती इंडियन नेवी जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन इंडियन नेवी, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग इंडियन नेवी के अंदर होगी। ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास BE, BTech, MSc की योग्यता है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको यह जानना है कि एग्जैक्टली कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए आप वीडियो देखते रहे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। एज लिमिट की बात की जाए तो दोस्तों, एज लिमिट की जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, जो कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो लोग आवेदन करेंगे उनमें जिन लोगों के सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू होगा और फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब मैं आपको दोस्तों वैकेंसी डिटेल के बारे में बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। ऑब्जर्वर के लिए 6 पद है, पायलट MR के लिए 3 पद है, और पायलट अदर देन MR के लिए 5 पद है, लॉजिस्टिक्स के लिए 15 पद है, और एजुकेशन के लिए 23 पद निकाले गए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, अगर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है, तो डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्कशन में जाइए। वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक डायरेक्ट दिल्ली दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई फॉर्म भरने में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूं और वहां से भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किया गया, आप यहां पर देख सकते हो। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनवैलिड एलिजिबल मेल एंड फीमेल, यानी कि इसमें सिर्फ वही लोग कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे जो अनमैरिड है, यानी कि अविवाहित है। तो दोस्तों, यहां पर आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स देख पा रहे हो, और यहां पर अब एज लिमिट मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि एग्जैक्टली कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों, ऑब्जर्व पोस्ट पर जो एज लिमिट रखी गई है उसमें आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच हुआ है, तो आप ऑब्जर्वर पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। पायलट में भी आपका जन्म अगर 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच हुआ है, तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। लेकिन लॉजिस्टिक्स पोस्ट पर जो आपको आपकी एज लिमिट है, वो अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच हुआ है, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और एजुकेशन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 1999 के बीच हुआ है, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप मैं आपको बता दूँ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है। ऑब्जर्वर पायलट और पायलट अदर देन MR पोस्ट पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वह है BE, BTech डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद फिजिक्स एंड मैथ्स इन 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आप
आपके पास बीबीटेक की डिग्री हो और साथ ही जो आपने 12th क्लास की हो उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट होना जरूरी है। और लॉजिस्टिक्स पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो योग्यता मांगी गई है वह बीबीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और या फिर एमबीए विद फर्स्ट क्लास या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास या फिर एपीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट और एमसी एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास। यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक योग्यता है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और एजुकेशन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक योग्यता है यानी कि क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से इस फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दूँ। कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू दी प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर दिस सेम आर अवेलेबल ऑन इंडियन नेवी वेबसाइट। यानी कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपका जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो आपको उसमें फिट होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस की हेडिंग दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन एंड टू फिक्स कट ऑफ परसेंटेज नो कम्युनिकेशन विल बी एंटर्ड ऑन दिस अकाउंट। यानी कि कम्युनिकेशन से कोई बातचीत नहीं होगी, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं होगी। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया आपका इंटरव्यू होगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस जानकारी संबंधित कोई सवाल पूछना हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऑफिशियली कोई सवाल पूछना है इंडियन नेवी से तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो जो कि यहाँ पर दिया गया है। आपको जो कॉल करना है वो मंडे टू संडे बिटवीन 18 से 20 आवर्स के बीच करना है। यानी कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच ही अपना कॉल करना है। नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करने का आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा और आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो को लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।